Welcome to Bhavina Online Classes. Here we will discuss about the types of reproduction. As we know, reproduction is a biological process by which organisms produce offspring similar to themselves. Based on whether the participation of one organism or two, the process of reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, when the offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation is called asexual reproduction. While in sexual reproduction, when two parent of opposite sex participate in the process of reproduction and also involve infusion of male and female gamete is called sexual reproduction. अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. अब जब ये विद और विदाउट लिखती है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या इसमें विद लिख रहा है, एनसीईआरटी विद लिख रही है, तो क्या गैमेट का फॉर्मेशन होता है? हाँ, कहीं कहीं गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बट देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाता तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा. और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, क्या ये जरूरी है कि टू पेरेंट्स का ही होना जरूरी है, टू इंडिविजुअल का ही होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं. इनकेस ऑफ प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं. एंड इन केस ऑफ एनिमल, अर्थवर्म हैव द सेम इंडिविजुअल हैव मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इटसेल्फ. सो ये दोनों जनरलाइज डेफिनेशन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. एज ए रिजल्ट ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स. और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनको क्लोन्स कहते हैं, जो एग्जैक्ट रेप्लिका होती है अपने पेरेंट की. तो व्हाट इज द क्लोन? क्लोन इज ए मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. और क्लोन्स का कोई भी एक इंडिविजुअल, क्लोन्स का एक सिंगल इंडिविजुअल कहलाता है रेमेट. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सीन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट एंड एनिमल हैविंग सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पेशलाइज्ड पार्ट और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. कोई फ्यूजन नहीं होता है. इट इन्वॉल्व्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट. पेरेंट की बॉडी का कोई भी पार्ट यूज हो जाता है और कभी तो पूरा का पूरा पेरेंट ही यूज हो जाता है ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने में. और इसमें द पेरेंट इंडिविजुअल, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द पेरेंट इंडिविजुअल स्प्लिट्स बर्ड्स एंड फ्रेगमेंट टू फॉर्म आइडेंटिकल सेल्स और इंडिविजुअल. इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, पैरामीसियम, इग्लूना, इग्लूना स्पाइरोगायरा ईटीसी. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगेमोजेनेसिस भी कहते हैं और एगेमोजेनी भी कहते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस भी कहते हैं. कई बार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना लिख के क्वेश्चन में एपोमिक्सिस लिख सकते हैं, एगेमोजेनेसिस लिख सकते हैं, एगेमोजेनेसिस एगेमोजेनी भी लिख सकते हैं. So what is the advantage of asexual reproduction and disadvantage of asexual reproduction? Advantage यही है कि यूनिपेरेंटल होता है तो दूसरे मेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो टाइम कम लगता है. तीसरा, दो जो यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स मिलती है वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स होती है. चौथा, ये सिंपलर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. पांचवा, कि ये इसमें जो डिवीजन होते हैं वो भी सिंपल होते हैं. माइटोटिक डिवीजन भी होता है और माइटोटिक डिवीजन भी होता है. और एक सिंगल पेरेंट ही लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. ये तो सारे थे एडवांटेजेस. एंड और डिसएडवांटेजेस क्या है, जब ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो ये ओवर क्राउडिंग कर देता है और देर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मेटीरियल है. सो
तो वेरिएशन डजंट टेक प्लेस। तो वेरिएशन जब नहीं होता है तो इवोल्यूशन भी नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट हैव एनी रोल इन इवोल्यूशन। और जब वेरिएशन ही नहीं है तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होती है उनकी एडेप्टेबिलिटी चेंज एनवायरनमेंट में बहुत ही लो होती है। ये सब थे डिसएडवांटेजेस। Asexual reproduction and sexual reproduction. What is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? Asexual reproduction uniparental होता है, sexual reproduction biparental होता है। Asexual reproduction में ना कोई gamete formation होती है, ना उनका fusion होता है, generally। और sexual reproduction male और female gamete का formation भी होता है, उनका fusion भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ सेक्स ऑर्गन। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन कैन बी सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ वन इज नो चेंज इन प्लॉइडी लेवल। इसमें है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन बी सीन। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड गैमेट जनरेट करेगा और जो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं वो फ्यूज होके वापस से जायगोट बनाएगा और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। सो नो जेनेटिक नो गैमेट इन्वॉल्व, सो नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन बी सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज इजीली कैन बी सीन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक होता है, इजी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है और टीडियस भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग मिलती है वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जेनेटिक वेरिएशन शो करती है। डिविजनिंग में माइटोटिक होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक और माइटोटिक दोनों डिविजन होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देर आर सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर वन फ्यूजन, नंबर टू बर्डिंग, नंबर थ्री फ्रेगमेंटेशन, नंबर चार रीजनरेशन, नंबर पांच स्पोर फॉर्मेशन, नंबर छह वेजिटेटिव।